सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं यहाँ पर एयरटेल के कुछ सस्ते रिचार्ज के बारे में। दोस्तों, अगर आपके भी एयरटेल की सिम में जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो चुके हैं, दोस्तों अपने काफ़ी समय से अपने सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं करवाया है, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर किसी प्रकार के SMS OTP या कॉलिंग के लिए दोस्तों हमको क्या होता है कि हमारे सिम में एक वैलिड रिचार्ज होना चाहिए, जिसके कारण अगर आपके पास यहाँ पर वैलिड रिचार्ज नहीं होगा तो किसी प्रकार का जो SMS OTP होता है या कॉलिंग दोस्तों आपके पास नहीं आता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे यहाँ पर एयरटेल के कुछ रिचार्ज के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पर 100 रुपीज़ से कम के काफ़ी रिचार्ज आते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर रिचार्ज कर लेते हैं और उनका पैसा वेस्ट चला जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ 100 से कम वाले रिचार्ज के बारे में बता देता हूँ कि इनको आपको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर 100 से कम में सबसे पहले मिलता है हमको यहाँ पर 19 रुपये का रिचार्ज। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 1 GB डेटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पर 1 दिन की दिखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें बता दो कि इस रिचार्ज को आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास यहाँ पर पहले से कोई वैलिड रिचार्ज है। इस रिचार्ज को आप तभी करना है जब आपके पास यहाँ पर डेटा प्लान हो और आपका यहाँ पर 1 GB मतलब आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आपने दिन में पहले ही यूज कर दिया, आपका जो डेटा पहले से वैलिड है वो वहाँ पर आपने यूज कर दिया, लेकिन आपको और डेटा चाहिए तो आप इस रिचार्ज को कर सकते हो आपके यहाँ पर वैलिड प्लान के साथ में। अगर आपके पास में वैलिड प्लान नहीं है तो आपको यहाँ पर इस रिचार्ज को नहीं करना। इसी प्रकार यहाँ पर 58.99 और काफ़ी रिचार्ज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये कोई भी रिचार्ज दोस्तों आपको तभी करना है डेटा रिचार्ज जब आपके पास यहाँ पर कोई से पहले से आपकी सिम में वैलिड रिचार्ज है। यहाँ पर 99 का रिचार्ज भी आपको यहाँ पर तभी करना है, इसमें 2 GB डेटा मिलता है। अगर आपको इसे यूज करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर आपकी सिम में पहले से कोई वैलिड रिचार्ज होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको भी आपको नहीं करना है। और यहाँ पर एक रिचार्ज मिल जाता है हमको यहाँ पर 118 रुपये का। तो दोस्तों, उस रिचार्ज को भी आप तभी यूज कर पाओगे जब आपकी सिम में यहाँ पर पहले से कोई वैलिड रिचार्ज है, क्योंकि दोस्तों इसमें यहाँ पर कोई वैलिडिटी देखने को नहीं मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर वैलिडिटी एन लिखा शो हो रहा है। इस रिचार्ज को भी आप यहाँ पर जो 12 GB डेटा मिलता है आप यहाँ तभी यूज कर पाओगे जब आपकी सिम में कोई पहले से वैलिड रिचार्ज होगा। तो दोस्तों, बात आती है अगर हमको यहाँ पर किसी प्रकार के SMS OTP या कॉलिंग के लिए कौन सा रिचार्ज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है 155। तो दोस्तों, 155 में आपको यहाँ पर 1 GB डेटा आपको देखने को मिलता है, जिसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पर 24 दिन की देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें 300 SMS प्लस आपको यहाँ पर कॉलिंग अनलिमिटेड देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर SMS OTP या किसी प्रकार की कॉलिंग की सुविधा आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों, आप यहाँ पर 155 से कम का रिचार्ज करते हो तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट चला जाता है। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर कोई भी वैलिड रिचार्ज नहीं है तो आपको यहाँ पर 155 का ही रिचार्ज करना। सेकंड रिचार्ज हम दोस्तों यहाँ पर 179 का भी कर सकते हैं। 179 में दोस्तों हमको यहाँ पर 2 GB डेटा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पर 28 दिन को देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर 300 SMS प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये 2 रिचार्ज आप कर सकते हो अगर आपके सिम में यहाँ पर पहले से कोई वैलिड रिचार्ज प्लान नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में आपको ये छोटा सा इंफॉर्मेशन पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपको हमारी तरफ से रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।